हेलो व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं आज आपके सामने एक नई वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें मैं आज आपको बताऊंगा कि हमारे चैनल पर व्यूज़ और सब्सक्राइबर खुद ब खुद क्यों नहीं आते। दोस्तों, ये आजकल हर यूट्यूबर का मसला है कि उनके चैनल पर व्यूज़ क्यों नहीं आते। दोस्तों, इसका मसला ये है कि सबसे पहले तो जब हम अपने यूट्यूब पर कोई वीडियो डाल रहे होते हैं तो हमारा सबसे पहले कंटेंट अच्छा होना चाहिए। कंटेंट ऐसा होना चाहिए कि जब हम थंबनेल लगाएं तो लोग उसको खुद ब खुद देखें और हमारी वीडियो पर व्यूज़ है, ताकि लोगों को देखने में दिलचस्पी हो और लोग कहें कि वाकई यार, ये बंदा हमें बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन यूट्यूब के बारे में देता है, तो हम इसका चैनल लिहाजा सब्सक्राइब भी कर लें। दोस्तों, अगर आपके पास यूट्यूब स्टूडियो है तो ठीक है। आगे मैं आपको ये बताऊंगा कि हमारे यूट्यूब जो होता है वो कितने लोगों को हमारी वीडियो दिखाता है, हमारा कंटेंट दिखाता है, और उसमें कितने लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर आकर क्लिक करते हैं और हमारी वीडियो को देखते हैं। सबसे पहले आपने क्रोम पर जाना है। क्रोम पर जाकर यूट्यूब स्टूडियो मोनिटाइजेशन ओपन करना है। तो ओपन करने के बाद आपके पास कुछ इस तरीके से दोस्तों पेज आ जाएगा। मैंने अपना चैनल मोनेटाइजेशन के लिए भेजा हुआ है, अल्लाह खैर करेगा मोनेटाइजेशन मोनेटाइज हो भी जाएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले आपने इधर जाना है। एनालिटिक्स पर जाने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह के ऑप्शन आ जाएंगे, ओवरव्यू, रीच, एंगेजमेंट और एडवांटेज और इनव्यू। तो आपने सबसे पहले इधर रीच पर क्लिक करना है। तो दोस्तों, जब आप रीड पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का आ जाएगा इम्प्रेशन। तो दोस्तों, इम्प्रेशन का मतलब यह है कि मैंने अपने यूट्यूब पर जितना भी कंटेंट डाला है ना, तो यूट्यूब ने खुद मेरे यूट्यूब चैनल का कंटेंट 11,700 बंदे को दिखाया है। तो यूट्यूब तो मेरे चैनल को आगे ग्रो कर रहा है, लेकिन मेरा थंबनेल अच्छा नहीं होगा, मेरी वीडियो अच्छी नहीं होगी, यूट्यूब तो आके मेरा कंटेंट कर रहा है, लेकिन जो लोग हैं ना, वो जो मेरे यूट्यूब की वीडियो पर देख रहे हैं, वो देख रहे हैं 3.7। इसका मतलब ये हुआ कि मेरा थंबनेल में या कोई मसला है, या मेरे कंटेंट में कोई मसला है, जिसकी वजह से यूट्यूब तो मेरे चैनल की वीडियो आगे भेज रहा है, लेकिन आगे से लोग मेरे यूट्यूब के कंटेंट पर ओपन नहीं कर रहे। दोस्तों, इसका मतलब ये हुआ कि आपको सबसे पहले अपने YouTube चैनल का कंटेंट अच्छा बनाना होगा, उसके बाद आपको थंबनेल, जो सबसे मेन चीज़ और सबसे जो बड़ा मसला आ रहा है, वो आजकल लोग थंबनेल नहीं बनाते। पहले मैं भी एक छोटा यूट्यूबर था, तो मैं भी थंबनेल नहीं बनाता था, इस तरीके से अपने यूट्यूब की वीडियो डाल देता था। तो मैंने देखा ये जाके इम्प्रेशन, मैंने फिर इसका मतलब गूगल से या सारा कुछ सर्च करके फिर मैंने देखा कि मैंने कहा यार, लोगों को भी बता दूं कि किस तरीके से हमारे व्यूज़ नहीं आते। तो सबसे पहले मैं आपको यही कहूँगा कि आप जब अपनी वीडियो अपलोड करने लगे तो आपका सबसे पहले थंबनेल अच्छा होना चाहिए। अगर आपका थंबनेल अच्छा होगा तो आपके व्यू आएंगे। और आगे इस पर क्लिक करते हैं। तो भाई, इस पर क्लिक करने के बाद हमारे पास कुछ इस तरह का पेज ओपन होता है। तो हम जाते हैं इसका, तो एवर ड्यूरेशन, तो इसका एवर यह है कि हम अपने यूट्यूब चैनल पे 5 मिनट की वीडियो ओपन करते हैं, तो 5 मिनट की वीडियो ओपन 5 मिनट की वीडियो डालते हैं, तो कुछ लोग आते हैं, वो हमारे यूट्यूब पे आते हैं, 1 मिनट वो उस वीडियो को क्लिक करते हैं, तो वो बाद में चले जाते हैं कि वो कहते हैं यार, ये वीडियो भी फजूल है, इसका कंटेंट भी अच्छा नहीं है। तो इस तरीके से आप अपना कंटेंट भी अच्छा क्या करें। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आज आपको ये मेरी छोटी सी वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। इंशाल्लाह दोस्तों, मैं आइंदा भी ऐसे यूट्यूब के बारे में वीडियो बनाता रहूँगा, और आपसे यही गुजारिश करूँगा कि आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, और ताकि आपको फ़ायदा हासिल हो। इंशाल्लाह दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। खुदा हाफिज़।